हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिपेयर करेंगे केवीडी कंपनी का मार्बल कटर मशीन। तो यहाँ पे देखिए, मशीन को सबसे पहले चला लेते हैं और देखते हैं क्या दिखता है। तो दोस्तों, सबसे पहला मशीन में प्रॉब्लम यह है कि उसका स्विच नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों, इसमें कोई भी और कोई दिक्कत मुझे देख नहीं रहा, लेकिन उसमें कस्टमर जो बोल रहा है कि एक दो मिनट चलने के बाद बहुत जोर से हीट हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ 4-5 सेकंड के लिए चलाया तो भी हीट थोड़ा आया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको खोल लेंगे, ब्लेड खोल के चेक करेंगे और ब्लेड का एवी वाशर जो वगैरह रहता है उसको चेक करेंगे, कंप्लीट सर्विसिंग करेंगे। उसके वजह से सबसे पहले हम ब्लेड निकाल लेंगे, फिर हम उसका कार्बन निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कार्बन का जो ठिप्पी रहता है, कार्बन कैप रहता है, वो बहुत टाइट हो गया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा चौड़ा वाला आपको फ्लैट यूज करना है इसको खोलने के लिए, कि आसानी से निकल जाएगा। अगर नहीं निकल रहा है आप उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों, हम उसका जो मर्डर हाउसिंग का 4 स्क्रू निकाल लेंगे, सॉरी 3 स्क्रू निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 स्क्रू लगता है, निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा उसका मोटर पोजीशन। और यहाँ पे थोड़ा टाइट हो गया है तो आप उसको हैमर यूज करके पीट के थोड़ा निकाल सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों मुझे दिख रहा है, ये देखिए कॉइल तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों ये देखिए कॉइल सही है, लेकिन दोस्तों इसमें जो आर्मेचर का जो फैन रहता है वो किसी ने निकाल के फेंक दिया, मतलब ये टूट गया है। तो इसकी वजह से और किसी ने इसको खोला है, खोलने के बाद इसका जो जो रहता है उसका फैन उसको निकाल के मतलब टूट गया था शायद, तो इसकी वजह से इसको खोल के फेंक दिया है, लेकिन उसमें दोबारा नहीं लगाया है। तो हम ट्राई करेंगे उसमें फैन लगाने के लिए, तो आगे प्रोसेसिंग क्या रहेगा वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इसका फैन नहीं है, आर्मेचर में फैन लगता है और ये वेयरिंग जो वेयरिंग रहता है ये थोड़ा जाम है, तो हम इसको भी देखेंगे और इसका ट्राई करेंगे आर्मेचर को, आर्मेचर का फैन को चेंज करने के लिए। ओके, इसको दोस्तों ये जो CM4SB मॉडल का जो ये पिनियन को खोलने का दिक्कत बहुत बहुत लोगों को होता है, इसका प्रोसेसिंग मैं आप यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बेयरिंग को जो 629 बेयरिंग लगता है, यहाँ पे देखिए ये बेयरिंग को थोड़ा ऊपर खींच लीजिए, फिर ऊपर खींचने के बाद आपको सिर्फ बेयरिंग को फिर नीचे घुसा देना है, अंदर देना है, फिर ये देखिए इसका जो पिनियन में गैप आ जाएगा, घाटी आ जाएगा, फिर आप उसके अंदर आप बेयरिंग पुलर लगा के आसानी से निकाल सकते हो, ये निकल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप छोटा वाला पुलर यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास एक ही पुलर है, बड़ा वाला पुलर, मैं उसी से सब कुछ करता हूँ। यहाँ पे भी वो गियर भी निकल जाएगा, कोई इशू। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो पिनियन ये आसानी से कैसे निकल गया, इस ट्रिक को यूज करोगे तो आसानी से कोई भी पिनियन यू निकाल सकते हो। सबसे पहले आप बेयरिंग को खींच लीजिए, बेयरिंग को खींचने के बाद फिर दोबारा बेयरिंग को पीट लीजिए, फिर यहाँ पे पिनियन में घाटी बन जाएगा, उसमें आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसमें ये देखिए, मैं ट्राई किया हूँ कि उसका ये जो आर्मेचर का फैन निकालने के लिए, लेकिन दोस्तों ये बहुत दिक्कत करता है कि देखिए मैं इतना उसको पीटा फिर भी ये नहीं निकला, लेकिन फैन टूट गया। तो इसके वजह से हमको क्या करना है, आर्मेचर को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फैन बहुत टाइट है। अगर आप निकाल के चेंज करें तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ट्राई किया उसको निकालने के लिए, 2 आर्मेचर का फैन टूट गया,
फिर भी नहीं निकल रहा है, तो मैं ये क्या करूँगा, उसमें आर्मेचर ही चेंज कर दूँगा। यहाँ पे देखिए मैं CM4 SV का आर्मेचर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नीचे वाला बेयरिंग 608 का बेयरिंग लगता है और ये बेयरिंग बिल्कुल सही है, तो हम बेयरिंग को निकाल के लगा देंगे। लेकिन 629 का बेयरिंग ऊपर जो लगता है वो टाल है, तो इसके वजह से हमको क्या करना है, ऊपर वाला बेयरिंग को चेंज करना है। एक बेयरिंग हम इसमें चेंज करेंगे और एक बेयरिंग लगा देंगे पुराना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो की लगता है, की लॉक लगता है, हाफ की लॉक लगता है, वो बहुत टाइट हो रहा है। इसका भी खोलने का प्रोसेसिंग मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आप जो नोज प्लस है आप उसको निकालोगे तो इसमें बहुत टाइट हो रहा है, ये नहीं निकल रहा है। इसका सलूशन आपको क्या करना है, किसी को पकड़ना है और एक पतला सा पेचकस से आप एक साइड से पीट देना है, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो बेयरिंग थोड़ा जाम है तो हम उसको चेंज कर लें। अभी दोस्तों हम इसमें आर्मेचर में बेयरिंग लगाएंगे। 629 का यहाँ पे बेयरिंग में लगा रहा हूँ और नीचे 608 का बेयरिंग लगेगा। ये नया बेयरिंग है और इसको हम चेंज किया और अभी उसमें हाफ की लॉक लगाएंगे। के नीचे वाला बेयरिंग लगेगा 608 का बेयरिंग जो पुराना ही है, सही था, तो इसको हमको दोबारा लगाना है। परफेक्ट तरीके से इसको पीटना है, अच्छा से पीटना क्योंकि टाल हो सकता है। अभी देखिए यूपीएस कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो अभी हम इसमें पिनियन लगाएंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका दोस्तों की जो यहाँ पे की लगता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो ढीला हो रहा है तो आपका पिनियन ढीला बिठेगा तो आगे पीछे होगा, तो इसके वजह से आपका गियर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, तो इसको भी जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आर्मेचर फिटिंग हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे उसका गियर पोजीशन चेक करेंगे। बहुत दिनों से ये खोला नहीं गया था, देखिए इसका जो ग्रीस पूरा सूख के बैठ गया है, तो हम इसको दोबारा निकाल के सही से फिटिंग कर लेंगे। तो गियर का पोजीशन हम जाएंगे, इसमें दो ठो स्क्रू लगते हैं उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गियर पोजीशन है, तो गियर पोजीशन को हमको इसको खोलना है, फिर अभी उसको अच्छा से क्लीन करना है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा कोई भी डीजल वगैरह किरोसिन वगैरह यूज करके उसको अच्छा से क्लीन कर लीजिए, ताकि ये नेक्स्ट बहुत अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे जो पुराना ग्रीस रहता है उसको हम आपको खोलना है और पूरा क्लीन करना है, फिर आपको दोबारा इसको फिटिंग करना है, ग्रीस नया ग्रीस लगा। और यहाँ पे देखिए ये जो गियर बिल्कुल सही है, आपको बेयरिंग को भी चेक करना चाहिए, ये बेयरिंग खराब ज्यादा नहीं होता है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, आर्मेचर को लगा लेंगे थोड़ा ग्रीस लगा के, और अभी हमको क्या करना है, उसका जो मोटर में एयर डिफ्लेटर रिंग लगाना है, फिर आपको उसको अंदर बिठा देना है, सही तरीके से आपको बिठाना है ताकि आर्मेचर कॉइल में टॉस ना हो। यहाँ पे दोस्तों 10-2 स्क्रू जो लगता है उसको परफेक्टली टाइट कर लेंगे, ताकि लूज होके आर्मेचर कॉइल में टॉस ना हो, तो इसके वजह से आपको 10-2 स्क्रू को टाइट करना है बढ़िया से। और यहाँ पे अंदर में आपको उसका जो पिनियन घुमाना चाहिए कि ताकि आर्मेचर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं घूम रहा है तो दोबारा खोल के दोबारा फिटिंग कीजिए, कोई दिक्कत है तो आप दोबारा चेक कीजिए। यहाँ पे आर्मेचर में कार्बन लगा के उसका कार्बन कैप में लगा रहा हूं।
अभी दोस्तों इसमें लगभग ये फिटिंग हो चुका है, तो हम उसको थोड़ा चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसका गियर फिटिंग कर लेंगे। गियर में हम लगा लेंगे थोड़ा ग्रीस। If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So this लगा के हम उसके अंदर सही तरीके से बिठा लेंगे। किसी भी तरह आप उसको लगा सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये लग गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ठो उसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अभी ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम थोड़ा दोबारा चला लेंगे मशीन को। तो यहाँ पे दोस्तों हाँ, मशीन बिल्कुल सही तरीके से उतार है, कोई भी साउंड नहीं है। अभी जो हेड का प्रॉब्लम था अभी सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ओनली वो फैन तोड़ गया था, इसके वजह से ही इसमें हेड का प्रॉब्लम आ रहा था। तो हम फैन को ट्राई किया चेंज करने के लिए, लेकिन वो फैन टूट रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, उसका आर्मेचर को नया लगाना पड़ा। अभी दोस्तों इसमें स्विच नहीं है, तो स्विच हम एक नया लगाएंगे। स्विच हम CM4SA का स्विच लगाएंगे इसमें, और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से चलेगा। तो एक दोनों को इसको डायरेक्ट किया गया है, तो एक हम उसका जो कनेक्शन को निकाल लेंगे, उसमें स्विच लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए स्विच में यूज कर रहा हूँ CM4SA का। सिंपल सा फिटिंग कनेक्शन है, कोई भी कर सकता है। मोटर में जो एक कनेक्शन सप्लाई आता है, वो एक स्विच में एक स्विच का एक पॉइंट में लग जाएगा, और दो पॉइंट जो आता है पावर सप्लाई से, उसका भी एक पॉइंट स्विच में लग जाएगा, और एक पॉइंट और मोटर का एक पॉइंट डायरेक्ट हो जाएगा। ये है स्विच का कनेक्शन, और कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तो नीचे आपको बेल आइकन मिल जाएगा, सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और आप भी हमारा वीडियो को देख सकते हो आगे। तो यहाँ पर देखिए मैं उसका स्विच को फिटिंग कर चुका हूँ। अभी हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे मशीन को। तो बिल्कुल सही तरीके से फिटिंग हुआ है, तो टाइट कर लेंगे इसको चार्ट को। आप चैनल में हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा खुद की वेबसाइट मिल जाएगा, आप वहां पर जाके परचेज कर सकते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू दोस्तों।